आप सभी को तो पता ही है कि मैं यहाँ सिलगुड़ी में हूँ और यहाँ से कहीं और जाना है और आज के दिन बहुत सारे काम है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट इम्पोर्टेंट काम जो था वो है यहाँ हमारे कार का जो है उसे वॉश करवाना था और कार को वॉश नहीं किए बहुत समय हो चुका था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और सवेरे सवेरे निकल गया और यहाँ पे काम चल रहा है वॉशिंग का। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशंस में और आपको साथ में लेकर चलूँगा गाइस, बहुत सारे जगह जाएंगे और पहुँचेंगे एक लास्ट प्लेस। आप लोगों को अभी तो नहीं बताऊँगा, बाद में रिवील तो हो ही जाएगा, देखते रहेगा आप लोग। तो चलिए गाइस थोड़ा सा यहाँ पे कार को वॉश कर लेते, उसके बाद फिर से मिलूँगा। सोचा था कि जो टेक्नो ग्रुप से उनके स्कूल का जो एरिया है वहाँ से होते हुए जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो व्यूज़ देखने का थोड़ा सा शांत है और व्हीकल का सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा। पर गाइस अभी जा रहा हूँ वापस इसी रास्ते से और अब पूरा मिट्टी लग ही जाएगा। ऐसे तो अब वॉश तो करके आए, अच्छी तरह से वॉश किया था, थोड़ा बहुत मिट्टी लग ही जाएगा, पर फिर भी अब पहुँचने के बाद क्या सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेगा गाइस आपको एक बार दिखाता हूँ। और लंच करेंगे उसके बाद और निकल जाना है गाइस, यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन को जा रहे हैं सिलगुड़ी से, अभी आप निकल रहे हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb. यहाँ जो घर है यहाँ पे आ चुका हूँ दोस्तों, और रास्ते में चलते चलते थोड़ा बहुत शॉर्ट्स तो ले लिया मैंने और सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ इससे पहले कि ये व्हीकल्स पूरा गंदा हो जाए। कितना साफ हो रखा हुआ है आज, अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे चलाने में। तो चलिए मैं जाता हूँ अंदर की तरफ में और फिर मैं उसके बाद खाने के टाइम में मिलूँगा। खाना खाने के बाद यहाँ छत में आ चुका हूँ और क्या व्यू दिख रहा है गाइस यहाँ से, देखिए बहुत ही बढ़िया व्यूज़ है यहाँ का। और अभी हम जाने वाले हैं वहाँ से, यहाँ वहाँ दूर में अगर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से भी और दूर की तरफ जाने वाले और वो जगह है करसेंग, यहाँ से दिखता है करसेंग भी। और क्या व्यूज़ है गाइस यहाँ का सच को, पर आप इसे छोड़ रहे जा रहे और निकल रहे करसेंग से भी और दूर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो गेस कर ही सकते होंगे कहाँ पहुँचने वाले। आप लोगों को रास्ते का व्यूज़ दिखाऊंगा और लेकर चलता हूँ, पर उससे पहले हमें जाना है बागडोगरा, एक जन को ड्रॉप करना है, तो चले बागडोगरा के लिए निकलते हैं। बागडोगरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया, यहाँ पे सब लोग खुश हंस रहे इंजॉय कर रहे और भैया जा रहे और दूसरा कार आ गया उनको लेकर जाने के लिए, तो इसी वजह से अब बागडोगरा का मेरा प्लान कैंसिल हो गया। अब हम सीधा निकलेंगे यहाँ से करसेंग से, आगे जा रहे हम दोस्तों, कहाँ जा रहे आपको तो पता ही है, गेस करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, चलो हम भी निकलते गए। अभी यहाँ सालबारी जो मेन हाट का एरिया वहाँ पे आके बैठा हूँ, क्योंकि चावल लेके जाना है, तेल लेके जाना है और यहाँ सिलगुड़ी में है तो ऊपर की तरफ लेके जा रहे, तो थोड़ा सा प्राइस कम पड़ता है। तो मम्मी पूछने गए हैं और भाई क्या मेला जगह है, आपको बाहर की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से मेला है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो सब्जी मंडी है वो सब लगता है ना दोस्तों, और सैटरडे के दिन में ही लगा था तो उसका रेमिनेंस तो रह जाता है, पर इसमें भी कईयों के लिए बहुत चीज़ फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पर हेन को देख सकते किस तरीके से वो खा रहे हैं यहाँ पर, तो किसी के लिए तो खाना यही है गाइस, ऐसे जो खाने का चीज़ है वो तो वेस्ट नहीं होगा, पर जो प्लास्टिक मटेरियल्स है वो सब तो ज़रूरी है, वहाँ पे जो प्लास्टिक मटेरियल्स का मेला है वो ज़रूरी है गाइस, उसको नहीं रहता तो अच्छा होता। तो चले अभी निकल रहे हैं यहाँ पे, अभी फ़ोन आता है तो मैं निकल जाऊँगा और सामान लेके निकलते हैं। टाइम हो रहा है 2:52 और अब हम फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से सिलगुड़ी का सालबारी का एरिया से, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए घुसे थे गाइस। अब यहाँ आगे साइकिलिस्ट देखिए, यंग लड़के लोग का लाइफ में मज़ा ही है गाइस, हम लोग भी पहले बहुत साइकिल चलाते थे, आज तो 200 मीटर चलाने के लिए बोलेंगे तो थक जाएंगे हम लोग। अब ये सुकुना का रास्ता आने वाला है,
आगे की तरफ से सुखना क्रस्ट आएगा। आप लोग ने देखा है यहाँ करसिंग जाने के समय में, पहले भी लेकर चला हूँ आप लोगों को दोस्तों। आर्मी का एरिया से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब ये तो कौन सा एरिया कहते हैं इसको, क्योंकि सुखना का मेन एरिया भी हम लोग ने क्रॉस कर लिया। खपरेल, खपरेल है जी, खपरेल का एरिया कहते हैं इसको। मम्मी मुझे यहाँ पे बता रहे, मैं भूल जाता हूँ इस प्लेसेस का नाम, आप लोगों को तो पता है मैंने पहले भी कहा था। और अब सीधा सीधा रास्ता होगा रोहिणी तक, रोहिणी का रास्ता जो कहते हम लोग, और उसके बाद फिर हमें जो ऊपर चढ़ाई मिलेगा थोड़ी देर के बाद में, तो थोड़ा सीधा रास्ता का एंजॉयमेंट ले लीजिए आप लोग। यहाँ टोल के एरिया में आ चुके हैं, आगे में टोल देना पड़ता है और शायद इसी टोल की वजह से ही जो रास्ता है वो इतना अच्छा है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छा है और ट्रैफिक में हेवी ट्रक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं हमें चलते हुए। यहाँ से जाते हैं यहाँ पे टोल का थर्टी रुपीस का है टोल टैक्स यहाँ पे। निकल गए गाइस, अब यहाँ से जो पहाड़ का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है और चढ़ाई आती है, पर रास्ता सही है दोस्तों, यहाँ पे रास्ता खराब नहीं मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा ड्राइव कर लेता हूँ और आगे कहीं पे आपसे फिर से मिलूँगा। बड़ा सप्लाई वोट गिर गया उस ट्रक के ऊपर से और हैंगर हमें लगा नहीं गाइस, नहीं तो टेंशन ही हो जाता। ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ इसी तरीके से फुली लोडेड ट्रक्स चलते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा केयरफुल तो होना जरूरी ही होता है गाइस ट्रक से, क्योंकि थोड़ा स्टीप तो है और उनके लिए मुश्किल ही होता है। चलिए ओवरटेक कर लेते हैं। वाह, फ्लावर्स देखे गए यहाँ पे, क्या खूबसूरत लग रहा फ्लावर्स। चलाते चलाते यहाँ पे सूटकेस जो पीछे सेकंड सीट में रखे थे वो गिर गया। ऐसा एक जगह है गाइस
अब तो करसंग जीरो जिसे कहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। 2 सेकेंड रोक लिया था तो सोचा कि आपको एक बार रुके में व्यूज दिखा दूँ। पूरा चाय बागान के बीच से जा रहा है, क्या है ब्यूटीफुल व्यू। और वो नीचे से ट्रक आ रहा है तो चले भागते हैं ऐसे, फिर ट्रक के पीछे लग जाएंगे तो बहुत बोर हो जाता है, तो निकल पड़ते हैं। तो अब हम फाइनली खरसंग में आ चुके हैं। एंटर करते ही यहाँ का ऐसा व्यू है गाइस, और सन थोड़ा सा हार्श लग रहा है मुझे भी, डायरेक्ट फेस में आ रहा है। यहाँ से खरसंग टाउन का भी व्यूज दिखता है और हम इसे क्रॉस करते हुए जाएंगे। यहाँ अभी आगे रेलवे स्टेशन है खरसंग का, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। सपोर्ट करिएगा चैनल को, लाइक्स और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। करसंग से दूर जा रहे हम और यहाँ मामा आ चुके हैं, मामा ज्वाइन किए हमें और वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ आगे आ चुके हैं करसंग से, थोड़ा सा टाउन एरिया के से थोड़ा आगे आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। और कहाँ जा रहे हैं तो कहूँ तो आपको दार्जिलिंग से भी दूर जा रहे, जो दार्जिलिंग का मेन टाउन है उससे भी दूर जा रहे, इसे कहते हैं हरसिंगहट्टा। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से दिखता है दोस्तों आपका समदुपची और चार धाम एक ही फ्रेम में। तो चले आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा, पर शायद आज के वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। ओ गाइस, कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिख रहा है यहाँ से, तो वहाँ दूर में आपको देखने को मिलेगा कि नहीं कैमरा के थ्रू से भाई, बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है। तो ऐसे कुछ नज़ारे देखने के लिए हम जा रहे हैं अब दार्जिलिंग से परे हरसिंगहट्टा की तरफ में गाइस। ऊपर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा तो वो है आपका गोथल्स मेमोरियल स्कूल, करसंग का टॉप स्कूल फाउंडेड इन 1907। या पीछे मैम हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे क्योंकि वो गोथल्स के हैं और हर किसी को अच्छा लगता है अपने स्कूल के बारे में बताना, आप लोग भी हो तो ऐसे कुछ बताएंगे गाइस। यहाँ पे रुक गए दोस्तों, अब हम चाय पीते, कप थक गया शरीर मेरा, सच कहूँ तो आप लोगों को आइडिया नहीं है, पर मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि मैं वीडियो अपलोड करने का चांसेस नहीं मिल रहा गाइस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली व्लॉग्स नहीं कर रहा हूँ, पर कारण वही था, कुछ दिनों पहले आप लोग देखे होंगे तो व्लॉग्स आया नहीं ना 4-5 दिन के लिए, तो कारण यही था कि दोस्तों चल रहा है हेक्टिक शेड्यूल, अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो प्लीज़ इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइस, फुल वीडियोस देख लीजिए, वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है हमें। और यहाँ अंडर रेस्टोरेंट में जाते हैं और चाय पीते गए। कुछ ही देर पहले हम यहाँ जो एसी था वो चला के बैठ रहे थे दोस्तों, और
अब जैकेट लगाना ज़रूरी हो गया। अभी तक सुनहरा नहीं पहुँचे यहीं खाने की जगह से, ठीक बाहर की तरफ निकले और चाय और मोमो खाया, और तो क्या खाते अब जा रहे तो वही खाते गए। तो सुनहरा पहुँच चुके और मम्मी यहाँ पे पेट को फटाने वाले हैं, कभी काजू दे रहे, कभी पिस्ता दे रहे, कभी बिस्किट दे रहे, इतना चिकन मोमो खा के आया हो। और सुनहरा का व्यूज देख लीजिए आप लोग यहाँ पे गाइस। पहले एक ज़माने में सुनहरा इतना सा होता था, अब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से भी ऊपर में 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस में कवर करता सुनहरा का मार्केट पूरा, ये सब मार्केट धीरे। और पहले सिर्फ ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ आगे में रेलवे स्टेशन है। सिर्फ उस टाइम में जब मेरे को फर्स्ट ये सब्जी दुकान बहुत पुराना है, ये बहुत पहले से हुआ करता था, और जब फर्स्ट में मुझे सुनहरा बोल के पता था तो ये रेलवे स्टेशन के बने। टाइम आपको दिख रहा गाइस, ये है सुनहरा का गुम्फा। क्या गुम्फा है मैम, इसका नाम क्या है गुम्फा सुनहरा का? सुनहरा गुम्फा ही बोलते ना। पाँच बज चुका है दोस्तों और अंधेरा हो गया यहाँ पे, एग्जैक्टली 5:03 और हम पहुँच गए हैं जोड़ बंगला। यहाँ यहीं से अब बाइफोकेट करते हैं तो सिक्किम की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा, और हम आगे दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बाइफोकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आज सीधा जाएंगे हम यहाँ से। आगे में घूम है दोस्तों, वन ऑफ द हाइस्ट एल्टीट्यूड्स में जो आपका रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग का, टॉय ट्रेन का, उसका स्टेशन का 7200 फीट में है गाइस उसका एल्टीट्यूड। कितना हाई एल्टीट्यूड में रेलवे स्टेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स में रेलवे स्टेशन वाला है। घूम रेलवे स्टेशन आगे की तरफ में, आपका बतासे लूप का एरिया, यहाँ पे जो ट्रेन रहता है दोस्तों वो पूरा एक राउंड करता है, तो थोड़ा सा व्यूज देख लीजिए यहाँ का पूरा, ये बतासे लूप का एरिया है गाइस सारा का सारा। और जब दोपहर होता है तो यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट होते हैं, अभी शाम के टाइम में तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप उनको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस, पर हम ख़त्म कर लिए बतासे लूप का एरिया को। दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन टॉय ट्रेन से हिमालयन रेलवे का हेरिटेज है, और ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। इसके आगे टॉय ट्रेन का और कोई नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चला लिया नहीं तो मैं कम्प्लीटली डार्क दिखाई देता हूँ। दार्जिलिंग का मेन मार्केट और खरसाङ का जो आप लोग ने प्लॉट देखे थे वो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा डबल प्लॉट होता है, और जो व्हीकल चला रहे उसी को ही अपने साथ में कंट्रोल करके चलाना ज़रूरी होता है गाइस। तो थोड़ा सा अभी तो प्लॉट ख़त्म हो गया, और यहाँ पे एक आपका हाथ की तरह भी लगा था जहाँ पे कम दाम में कपड़ा मिलते हैं ना, वैसा दुकान भी था, मैं दिखा नहीं पाया। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि दार्जिलिंग से निकल के और भी आगे चले जाएंगे, तो मार्केट को क्रॉस करते हुए सीधा आगे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप में पिछली बार पेट्रोल भी डाला था हम लोग ने यहाँ पर आने पर, और यहाँ से अब निकल गए। थोड़ा सा रास्ता अब सुनसान होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, इस साइड में लेस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि अब हरसिंग जो लेबुंग है वहाँ पे जा रहे, और लेबुंग कहने के लिए फेमस प्लेस है गाइस। यहाँ पे एक रेस कोर्स हुआ करता था जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस कोर्स का खिताब हासिल है उसको, अभी तो फंक्शनल नहीं है वो, पर एक टाइम में जब वो फंक्शनल था तब वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस कोर्स था। अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया सही दिया ना? एकदम करेक्ट है ना? अभी तो फंक्शनल नहीं है ना वो? अभी नहीं, घोड़ा ही नहीं है। घोड़ा ही नहीं है हाँ, नहीं तो ये एक रेस कोर्स हुआ करता था, और अभी वहाँ पे काम नहीं चल, अभी वहाँ पे रेसिंग नहीं होता रेस। नॉर्थ पॉइंट सेंट जोसेफ स्कूल पर रात के वक्त में आप लोग को कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, इवन कि मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है,
और यही आगे में ही आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है, रोप वे भी है, मतलब बहुत कुछ है इसी एरिया में। पर मौका अभी नहीं मिलेगा गाइस, किसी और दिन में ज़रूर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी रात हो गई है। ना ना, हमें टाइम नहीं है ना हमारे पास में। कल एक दिन हाथ में है, पर कल के दिन भी अभी हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर शादी है, तो वहाँ पर बहुत बिजी होने वाले हैं गाइस, तो उसी की वजह से बाहर भी निकलने का मौका उतना कम ही रहेगा। पर अगर कुछ होता है तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से रौनक है मेरे पीछे में। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जिसके घर में आना था, यहाँ हमारे सबसे ठुली आमा है कहते हैं हम उनको, मेरे मम्मी की दीदी की बहन है आई थिंक। सो बहुत ही ऐसे थे उनके यहाँ पे आए, और यहीं पे है शादी होने वाला। अपोजिट साइड में आपको नामजी का व्यू दिखेगा, जहाँ से हम देख सकते चारधाम और सामदुपची। दोस्तों तो आज रात हो चुका है, रात को तो कुछ दिखने वाला नहीं है, पर आप लोग जरूर इंतज़ार करें, कल की वीडियो में देखेंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ से सामदुपची और चारधाम दिखाई देता है आप लोगों को। मैंने इस बार जूम कैमरा लेकर आया, पिछली बार जब आया था तब जूम कैमरा उठाया नहीं था। और कैसा लगा आप लोगों को रास्ते का व्यू जरूर कमेंट्स करके बताएगा। हम आए सिलगुड़ी से, खरसिंग को भी छोड़ते हुए, दार्जिलिंग को भी छोड़ते हुए यहाँ लेबुंग हरसिंहहट्टा में आए, और जो एक बहुत ही पुराना यहाँ पर रेस कोर्स हुआ करता था, जो फर्स्ट आई थिंक इन इंडिया नहीं तो वर्ल्ड, आप लोग ने सुनी ली मेरे मामा के साथ में जब कन्वर्सेशन हुआ था। तो कुछ इसी तरीके के एरिया है यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा। आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार।